एक बार फिर तुमने विघ्न डाल दिया मेरे रास्ते में माता की चौकी रखकर। तुम ही हो हर समस्याओं की जड़, मेरे मार्ग की बाधा। हर बार सविता मेरे प्रलोभन में आने वाली होती है कि तुम उसे बचाकर ले जाती हो। बड़ी अष्टलक्ष्मी बनती हो ना तो बचाकर दिखाओ अपने ग्रस्त जीवन को मेरे प्रहार से। तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दूंगी, इतना उलझा दूंगी तुम्हें कि सहायता तो दूर, सविता को स्मरण तक नहीं कर पाओगी। तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ संबंध इस संसार के लिए एक उपहास बनकर रह जाएगा। क्या हुआ? वो मंदिर पे काला साया। काला साया? बुरा सपना देखा होगा। नहीं वैभव, सच में ऐसा लगा कोई इधर है। अच्छा तुम इधर आओ, बैठो, आओ। इसलिए तुम्हें बोलता हूँ, हॉरर फिल्म देख के मत सोया करो। लो वैभव, ये ऋषभ वर्मा का कार्ड तुम्हारे पास? अच्छा हाँ, तुम्हें तो बताना ही भूल गया मैं। अरे इसी नहीं बुलाया था जॉब इंटरव्यू के लिए, इसने ही लिया इंटरव्यू मेरा। अच्छा हुआ ब्लू क्राउन होटल ऋषभ वर्मा का है। मतलब सोचो श्रेया, एक आदमी इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए, एकदम भगवान का भेजा हुआ ही। मतलब पहले पापा के सेव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और फिर मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया। मजेदार आदमी है, इज अ गुड मैन। हाँ मतलब सोचो श्रेया, मेरा पहला इंटरव्यू 5-स्टार होटल के लिए। वाह, इतना बड़ा होटल है, सैलरी पैकेज भी अच्छा हो, नहीं बहुत अच्छा करियर प्लंज मिलेगा मुझे। वैभव कितना एक्साइटेड है ऋषभ वर्मा के होटल में जॉब लेके। उसको कैसे बोलूं कि मुझे वो इंसान ठीक नहीं लगता। आज पापा के ज्वेलरी स्टोर पे भी ऐसे आना और इतनी ज्वेलरी खरीदना, लेकिन ज्वेलरी खरीदना कोई क्राइम तो नहीं है ना? भूलूंगी भी तो क्या, वैभव कहेगा मैं बेकार में शक कर रही हूँ। वैभव के लिए ये जॉब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। श्रेया जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे करियर के लिए, मेरे सपने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने। थैंक यू। नहीं देखो, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिलाऊंगा, सरप्राइज। सविता जी, ये लो। ये क्या है? दुकान की कमाई, घर की लक्ष्मी के हाथों में दे रहा हूं। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए और इस घर के लिए। ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। ऋषभ वर्मा है ना, उसने जो सेब का ऑर्डर मांगा था, ये उसी की कमाई है। इतना बड़ा ऑर्डर, पता नहीं इसके पहले इतना बड़ा ऑर्डर कब मिला था। अब देखना सविता, इस घर के दिन बदलेंगे। ये घर सिर्फ तरक्की का मुंह देखेगा,
इसलिए इस दुकान की पहली कमाई तुम्हारे हाथों में ही जानी चाहिए। माँ, यह आपकी कृपा और आशीर्वाद ही है जो मेरे घर में सुख समृद्धि आ रही है। बस आज की चौकी बिना किसी विघ्न के पार हो जाए। हे भगवान, सिर्फ नारियल की बर्फी बनाई है मैंने, अब तो पूरा भोज बनाना बाकी है। बहुत काम है। जो तोहफा मैंने कहा था भिजवाने के लिए श्रेया को भिजवा दिया? यस सर, अब तक डिलीवर भी हो गया होगा। फेयर एनाफ। दिव्या जी, प्लीज आज माता की चौकी में जरूर आना, मैं आपका वेट करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और कितना अच्छा मौका है आपके और मम्मी के झगड़े को खत्म करने का। मैं मम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कुछ भी बोले लेकिन है दिल की अच्छी। देखना, अपनी दोस्त को देख के ही पिघल जाएंगी वो। प्लीज दिव्या जी, जरूर आना। श्रेया बेटा, तेरे नाम का कोई गिफ्ट पार्सल आया है। गिफ्ट? ये किसने भेजा है? नाम भी नहीं लिखा है, बस विद लव लिखा है। इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना, सरप्राइज। ओह, विद लव वाला पार्सल है। मेरा बेटा भी कम रोमांटिक नहीं है। है तो आप ही का बेटा, मुझे पता है। आप दिखाती नहीं है लेकिन होंगी जरूर रोमांटिक। बताइए ना, पापा को विद लव तोहफे में क्या देती है? तक, हमारी उम्र में क्या तोहफा वोफा, बस उनकी पसंद का कुछ बना देती हूँ। छोले पूरी, बेसन का हलवा, ऐसे ही कुछ, वही हमारा विद लव हो जाता है। सो क्यूट। श्रेया, छोले पूरी से याद आ गया। अरे तू ये गिफ्ट वगैरह बाद में खोल ले, पहले किचन में मेरी मदद कर दे। खाना बनना है। सब्जी तक नहीं कटी अभी तक, ऊपर से थालियां निकालनी है पंडितों के लिए। वो 11 पंडित आते ही होंगे उनके लिए। मम्मी रिलैक्स। प्रीवन, ब्रीथ आउट, फिर से करो। तू देख लेगी ना? खाने का डिपार्टमेंट मैं देख लूंगी। तू है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, बस ये माता की चौकी अच्छे से हो जाए। सब अच्छे से होगा, अब फिक्र मत कीजिए। माँ, ये तो आपको बुला रही है किंतु आप वहां जा नहीं सकती हैं। आप वचन से जो बंधी। मैं जा सकती हूँ बस, क्योंकि मुझे सविता ने नहीं, मुझे श्रेया ने बुलाया है और मैंने श्रेया से ना मिलने का वचन नहीं दिया था। माँ, तो क्या आप जाएंगी? अवश्य जाऊंगी। जब भी मेरे भक्तों ने मुझे संकट में पुकारा है तो मैं उनकी रक्षा के लिए अवश्य पहुंच जाती हूँ, और इस बार की मैं अवश्य जाऊंगी। मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं अलक्ष्मी के प्रकोप और उसकी कुदृष्टि से अपने भक्त और उसके परिवार को अवश्य बचाऊंगी। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आइए विराजिए। Attention please, एक गुड न्यूज है। क्या खुशखबरी है? मुझे शेफ की नौकरी मिल गई। अरे क्या बात है वैभव, ये तो बहुत अच्छी खबर दी तूने।
कांग्रेचुलेशन सेब साले साहब। बधाई हो बेटा। कांग्रेचुलेशन वैभव। अच्छा ये तो बता, जॉब मिली किधर? रतलाम के अकेले सबसे बड़े फाइव स्टार होटल में, द होटल ब्लू ग्राउंड। अच्छा हाँ, आपको पता है होटल किसका है? ऋषभ वर्मा, उन्हीं का होटल है वो। वही ऋषभ वर्मा जिसने हमारी दुकान में पैसे लगाए हैं? अरे पापा, एक ही तो ऋषभ वर्मा है, द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, द वन एंड ओनली। बहुत बहुत बधाई बेटा, खूब तरक्की करना। ये ऋषभ वर्मा तो जैसे वरदान है हमारे लिए। वैभव के लिए खुश तो हूँ मैं, पर ऋषभ वर्मा हम पे हद से ज्यादा मेहरबानी है, कुछ समझ में ही नहीं आता। मुबारक हो बेटा। ये ऋषभ वर्मा कमाल का नेक इंसान निकला, इतना कुछ कर रहा है वो हमारे लिए। मुझे लगता है उसे फोन करना चाहिए। हाँ पापा करिए, बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो, ऋषभ वर्मा जी, मैं निरंजन, निरंजन तोष्णीवाल बोल रहा हूँ, सुख सागर नमकीन से। हाँ अंकल, आप बोलिए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बोलिए क्या कहना है आपको? वैभव ने अभी बताया कि आपने उसे अपनी होटल में जॉब दी है शेफ की, तो मैं सोचा कि पूरी फैमिली की तरफ से आपको कॉल करके आपका शुक्रिया अदा कर दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे को नौकरी दी है। देखना आपको निराश नहीं करेगा, बहुत अच्छा खाना बनाता है मेरा बेटा। आई नो आंटी जी, हमारे होटल को वैभव जैसे शेफ की बहुत जरूरत थी, और वैभव के आने के बाद हमारे होटल में वो शेफ की कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा बेटा, हमारे घर माता की चौकी है, आना जरूर। हाँ हाँ ऋषभ जी, आइए ना आप। अभी क्या है, अभी हम बिजनेस पार्टनर्स हो चुके हैं, तो आना जाना तो लगा रहना चाहिए ना, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हमको। माता की चौकी मतलब हलवा प्रसाद? आंटी जी, आई कांट टेल यू कि मेरा फेवरेट है हलवा प्रसाद, और बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए मैंने 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 खाया नहीं है। लेकिन क्या करूं आंटी जी, मतलब फॉरन मीटिंग है और मैं मीटिंग छोड़ के नहीं आ सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का। कोई बात नहीं, आपको हलवा पसंद है ना, कल वैभव के हाथों भिजवा दूंगी, उसका पहला दिन है ना कल। बातें तो इतनी मीठी मीठी करता है सबसे, तानी मुझे क्यों इतना वेयर लगता है। ऋषभ जी, आई विल सी यू टुमारो, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। ओके बाय। इतना बड़ा आदमी है फिर भी कितनी सादगी से बात करता है। मम्मी सब इंतजार कर रही है, चलिए ना भजन शुरू करें। हाँ आइए। दिव्या जी अभी तक आए क्यों नहीं? जय बेटा, ये अखंड दिया ना, माँ के आगे सजा देना, और जब तक ये चौकी चलेगी दिया जलते रहना चाहिए, उसके बाद हम भजन शुरू करते हैं। मम्मी क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? कोई आने वाला है? कोई रह गया? हाँ वो मैंने किसी को इनवाइट किया है, वो अभी तक आई नहीं है। किसे? दिव्या जी। मना किया था ना दिव्या से दूर रहो। मम्मी लेकिन वो आपकी कितनी अच्छी दोस्त है, आप दोनों के बीच जो भी अनबन हुई है उनके साथ सुलह कर दीजिए ना प्लीज। वो मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी है। रोको श्रेया को दिव्या से मिलने से। रहने दो श्रेया, तुम नहीं समझोगी, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। तुम्हें नहीं पता वो आएगी तो क्या होगा, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। ये दिया लेके आ जाना। मम्मी दिव्या जी का नाम सुन के बिगड़ क्यों जाती है?
मैंने कहा था सविता, उस दिव्या को अपनी बहू श्रेया से दूर रखना। जब तक ये दिया चलता रहेगा, इनका उत्साह भी कम नहीं होगा। यदि ये चौकी ऐसे ही चलती रही तो मेरे लिए लक्ष्मी को रोक पाना असंभव हो जाएगा। और मेरी प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब तक मैं लक्ष्मी के भक्तों के हृदय से लक्ष्मी को ना निकाल दूं, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी।